इतिहास का भाग पांच, आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर से मैं ब्रिटिश सत्ता के विस्तार टॉपिक पे कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। उन्हीं वीडियोस में से ये आज का पांचवा पार्ट है, जिसे मैं दोबारा से आपको 20 प्रश्न कराने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास की बात करें तो आधुनिक भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टॉपिक को काफी लंबा लेके चलने की कोशिश की है और इस हिसाब से इसमें मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुकी है और ये 5वीं है, तो कुल मिला के 100 प्रश्न अभी तक मैंने करा दिए और आगे भी 100 प्रश्न और कराए जाएंगे, यानी 5 वीडियो और आने वाली है। कुल मिला के 200 प्रश्न सिर्फ एक टॉपिक से मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो अगर आप इन सारे प्रश्नों को तैयार करते हो और इन्हें याद रखते हो तो डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इन प्रश्नों से और काफी कुछ क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ना सिर्फ इतिहास बल्कि इतिहास के अलावा मैंने भूगोल, राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ विज्ञान के विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित विषयों पर भी मैंने कई सारे ऐसे लेक्चर्स लिए हैं जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन को कराए हुए हैं। तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज को भी देखिए और अपने जीको को बूस्टअप करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आप मेरी वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही पा जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता युक्त कर हत्या कर दी थी, है ना? तो मराठों की सहायता से सैयद बंधुओं ने किसकी हत्या कर दी थी, आपको उसका आंसर करना है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले कुल 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्रुख शेर। ठीक है, फर्रुख शेर को मराठों के सहयोग से सैयद बंधुओं ने हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, सैयद बंधु ने किस बादशाह को बनाने का काम किया था, मतलब किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था। तो उसमें है फर्रुख शेर, रफीउद्दराज, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, इन सभी व्यक्तियों को सैयद बंधुओं ने यहाँ पर बादशाह बनाने का काम किया था। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था, है ना? पतन होना भी जरूरी है, हर कोई नहीं रह सकता, तो सैयद बंधु जो थे उनका भी पतन हो गया था। तो आपको बताना है किसके समय काल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। तो इसका जो आंसर है वो है रफीउद्दराज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर किसका नाम था, ये आपको आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर था। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किसी के ओरिजिनल नाम से लेकर के या फिर बदला हुआ नाम या फिर कोई टाइटल, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? तो इन प्रश्नों को आप मेमोराइज करें, वीडियो को एक से बार ज्यादा बार देखें ताकि आपको ये चीजें रिवाइज हो जाए। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, वहां पर आपको इनके पीडीएफ से क्या होगा प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर और रुहेलखंड की बात की गई है, तो ये सब किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे, इसका आंसर आपको करना है। तो ये लोग जो थे वो आपको आंसर नंबर बी करना होगा, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, है ना? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह जो था उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। अगला है, अहमद शाह अब्दाली की प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। अहमद शाह अब्दाली ने जब प्रथम आक्रमण किया था तो यहाँ का जो मुगल सम्राट था उसका नाम था अहमद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था। तो देखिए, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में सर्वाधिक 3 बार अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था और उसने कुल 7 बार आक्रमण किए हैं भारत पे, ये आपको याद रखना है। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। ठीक है, देखिए वास्तविक नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अली गौहर किसका वास्तविक नाम था, तो वो था आंसर करेक्ट अहमद शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आगे प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, है ना, विशेष मीर बख्शी नवीजुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित जीवन व्यतीत किया था,
उसका नाम आपको बताना है। फिर बाद में वो मराठों की सहायता से पुनर्गद्दी पर प्रस्तावित हुआ था, तो वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया एक शेर विख्यात है, कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए दो गज जमीन भी ना मिली कुवैत यार में। तो ये जो शायरी है वो लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जिसे रंगून जेल भेज करके अंग्रेजों ने इसकी मृत्यु कर दी थी। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, है ना? तो अंग्रेजों का सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो पेंशनर बना था, आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, आप दिया बंगाल, फर्रुखाबाद, कर्नाटक, अवध, और इनके शासक कौन थे इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो बंगाल पे 1713 में जिसका शासन था उसका नाम था मुर्शिद कुली जाफर खान, यानी ए का पहला। ठीक है, ए का पहला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, दो ऑप्शन मिले। फर्रुखाबाद 1714, 1714 फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद में किसने शासन किया था, तो उसका नाम था मोहम्मद खा बंगश, यानी कि बी का दूसरा। तो बी का दूसरा सिर्फ यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सी का तीसरा और डी का चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी हैदराबाद, रुहेलखंड, भरतपुर मैसूर और मीर कमरुद्दीन चिकन कलीची खान, निजामुल मुल्क, अलू मोहम्मद खान, बदन सिंह और हैदर अली। देखिए, हैदर अली तो जो थे वो मैसूर के थे, तो डी का नंबर फोर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का जो निजाम था, ठीक है, वो कौन था। ठीक है, तो हैदराबाद का जो निजाम था वो कौन था, मीर कमरुद्दीन चिकन कलीच खान निजाम मुल्क था, यानी ए का पहला। तो ए का पहला, डी का चौथा यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है लगा सकते हैं अपने प्रश्नों को। वहीं रुहेलखंड की बात करें तो रुहेलखंड में अली मोहम्मद खान था, और अगर भरतपुर की बात करें तो वहां पर बदन सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, है ना? तो देखिए, अवध के जो शासक थे ना वो वजीर कहलाते थे, वजीर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, है ना? तो सैनिक संगठित के रूप में संगठित किसको किया गया, तो जाटों को। ये काम किसने किया था, तो चूड़ामण ने किया था, जिसे चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लाटो ऑफ जाट्स या जाटों का अद्राणी व विद्वान व्यक्ति माना गया, तो वो किसके द्वारा माना गया था, तो वो थे सूरजमल। ठीक है, सूरजमल जी थे जिनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल शासक ने दी थी। ठीक है, तो सूबेदारी की बात की यहाँ पर कि मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल और उड़ीसा का कैसे मिल गया। ठीक है, तो वो कौन थे सूबेदार, किस मुगल शासक से मिली थी, उसके बारे में आपको आंसर करना है। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्मवाशियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बना दी। देखिए, पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी जो आपके बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन मुर्शिद कुली जाफर खान ने यहाँ पर मुर्शिदाबाद शहर को स्थापित किया और उसको अपनी राजधानी बनाई थी। आगे देखते हैं, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम कारण था। ठीक है, तो ये बात बतानी है कि जो मुर्शिद कुली खान जाफर खान थे और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच विवाद का सर्वप्रथम कारण क्या था। तो देखिए, उनके बीच में काफी ज्यादा अलग अलग व्याख्याएं हैं, जिसे बताया गया कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1917 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई थी, जिसकी वजह से इनके बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो दोस्तों, ये कुल 20 प्रश्न मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो रहे होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो जरूर आपको पसंद आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।